the biggest South Asian media group, Why Media. Why Media? Why Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. Television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, southasiandaily.com. The biggest South Asian media group, Why Media. मैं पंकज मंगा. आज हम सबसे पहले इन्फ्लेशन की बात करते हैं क्योंकि कनाडा की आज इन्फ्लेशन की रिपोर्ट आई सुबह. सो 0.1% ड्रॉप है हमारी इन्फ्लेशन में, विच इज मतलब ये है कि हमारी थोड़ी चीज़ें सस्ती हुई हैं. आई कैन अंडरस्टैंड कई चीज़ें महंगी हुई हैं, कई सस्ती हुई हैं, लेकिन कोर अगर उसको देखा जाए, अगर एवरेज निकाल के, तो हम थोड़ा सा उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पहले थे. अगर उस रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से देखें, उसके अंदर अगर जो उसका एनालिसिस करना चाहूँ अगर मैं, तो उसमें यह था कि जो जैसे ग्रोसरी है, ये सब चीज़ें महंगी हो गई हैं, लेकिन उसमें जो इम्पैक्ट आया है गैसोलीन का आया है. गैस जो है वो सस्ती हुई है. एयरलाइंस जो टिकट्स हैं, जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री में, उनको लगभग 8% माइनस गई है. सो इन दो चीज़ों ने ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट दे दिया है ये इस रिपोर्ट में, कि बाकी चीज़ें अगर महंगी भी हुई हैं तो ऑलमोस्ट बराबर आके खड़ी हो गई हैं. और कोर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, जो कि बैंक ऑफ कनाडा, एक्चुअली तीन जो मेन चीज़ें हैं, मेन जो होती हैं उसको मिला के जब देखता है, तो हम 1.6 के करीब खड़े हुए हैं एनुअल इन्फ्लेशन पे, विच इज़ बिलो बैंक ऑफ कैनेडाज टारगेट, क्योंकि बैंक ऑफ कैनेडा का जो टारगेट है वो लगभग 2% के करीब है. सो हम 1.6 पे खड़े हैं. इसका मतलब है कि बैंक को कोई जल्दी नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, बल्कि एक रिलीफ है उनके लिए, क्योंकि वैसे भी हम कोई इकॉनमी, कोई इतनी अच्छी इकॉनमी में नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि इस कोरोना वायरस की वजह से, COVID-19 कह सकते हैं, उसकी वजह से जो पेंडेमिक में हम बैठे हैं, जो हमारी सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते. सो इन्फ्लेशन इस तरह से आने से एक रिलीफ है बैंकों की, उन पे कोई प्रेशर नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है. दूसरी जो आज रिपोर्ट आई स्टेट कैनेडा की वजह से, काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वो, हमारी जो होलसेल है वो लगभग 18.5% ऊपर गई है, विच इज़ ए रियली गुड साइन, क्योंकि 18.5% ऊपर जाने का मतलब है लगभग $62 billion. सो ये वो सिचुएशन है, हम इस रिपोर्ट के बाद जो आई है होलसेल उठने के बाद, हम उस सिचुएशन में आके खड़े हो गए हैं जिस सिचुएशन में हम प्री पैंडेमिक थे, मतलब जनवरी फरवरी में जो हमारी होलसेल सेल चल रही थी उस हिसाब के हम बराबर आ गए. अगर देखा जाए तो वैसे भी अगर बिजनेसेस को देखा जाए तो खुलने भी शुरू हो गए हैं काफ़ी बिजनेसेस. ओंटेरियो पूरा हम स्टेज 3 में हैं, एंड ठीक है, केसेस अभी भी आ रहे हैं हमारे, 100 के करीब हम चल रहे हैं. अगर ये कंट्रोल रहें और थोड़ा थोड़ा नीचे जाते रहें, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि स्टेज 3 आने के बाद, रेस्टोरेंट्स खुलने के बाद, बहुत सारी बिजनेसेस खुलने के बाद भी अगर हम उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. लेट्स सी कि होता क्या है और 10-15 दिन में या सितंबर में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे थोड़ा वेदर ठंडा होगा, जब फ्लू सीजन आएगा, तो इसके ज़्यादा फैलने के चांसेस हैं. वी माइट गेट सेकेंड वेव, अगर हम उस सेकेंड वेव को रोक पाएँ. एवरीबडी इज़ वर्किंग टूवर्ड्स दैट सेकेंड वेव को रोकने के लिए. सो अगर हम थोड़ा सा केयरफुल रह के सेकेंड वेव को रोक सकें, तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी अच्छा होगा. बट अभी तक की जो न्यूज़ है, जैसे होलसेल की न्यूज़ है, काफ़ी अच्छी है. और बाकी भी जैसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेट्स से कि लॉज है, इस तरह की जो होम डिपो है, इनकी भी सेल बढ़ी हुई है, और कई टूरिज्म इंडस्ट्री इंटरनल, मैं कहूँगा कि आसपास, हर सिटी के आसपास की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, थोड़ी सी फ्लरिश होनी शुरू हुई है. या कॉटेज कंट्री की बात करें, अगर हम टोरंटो में बैठे हैं, मिसिसागा में बैठे हैं, वहाँ पे भी ठीक चल रहा है. जो डू इट योरसेल्फ वाले प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब आप घर में जो काम करवाना चाह रहे हैं या खुद करना चाह रहे हैं, आप चीज़ें, सामान खरीद खरीद के ला रहे हैं, रेनोवेशन का जो काम चल रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, घर में पेंटिंग करवा
बनवानी है, अपने ड्राइव वे बनवाना था, छत चेंज होनी थी, विंडोज चेंज होनी थी, वो सारे काम काफी तेजी से निकले हैं। सो अगर उस उन सारी चीजों को देखा जाए तो मनी आ रही है बाहर, पैसा खर्च हो रहा है, और वो जो पैसा मनी जो आ रहा है वो जो इकोनॉमी को चलाने में हमें हेल्प करेगा ही करेगा। अगर वैसे भी स्टैट को देखा जाए, आई कैन अंडरस्टैंड लगभग 3 मिलियन लोगों की जो जॉब गई थी पेंडेमिक के बाद, और हम लगभग 1.7-1.8 मिलियन वापस रीगेन कर चुके हैं। सो ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन के करीब अभी भी लोग जो हैं वो काम पे नहीं गए हैं, या उनको जो भी ऐसा मिल रहा है या ईआई पे बैठे हैं या किसी भी सिचुएशन में है, उनको पैसा वहां से आ रहा है। लेकिन अगर हम स्टैट के हिसाब से, अगर नंबर्स के हिसाब से बात करें, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इतना हाउसिंग मार्केट बढ़ी हुई है, मैं अभी बात कर रहा हूँ रेनोवेशन का काम चल रहा है, लोग घूम फिर रहे हैं, कॉटेज कंट्री भरी हुई है, तो लोगों के पास मनी आ कहाँ से रही है। कहने की बात है कि अगर आपको कई बार लगता है कि आसपास जॉब तो है नहीं, 2000 पे बैठे हुए, नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं है। अगर मैं नंबर्स पे बात करना चाहूँ तो 2019 के एंड तक आते आते जो लगभग 16 मिलियन लोग इस कंट्री में काम कर रहे थे, 16 मिलियन, और जॉब कितनों की गई थी, 3 मिलियन की। सो 13 मिलियन तो फिर भी काम कर रहे थे, सो वो 13 मिलियन तो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं ना, और उन जो जिनकी जॉब गई है 3 मिलियन की, उनमें से भी 1.8 के करीब की वापस आ गई है। सो देखा जाए तो 16 मिलियन में से 1 मिलियन लोग जो है काम पे नहीं है, 15 मिलियन लोग अभी भी काम कर रहे हैं। सो 15 मिलियन लोगों के लिए तो सेविंग हो रही थी, क्योंकि 50-60% उनमें से घर पे बैठ के काम कर रहे थे। कार नहीं चलनी है, गैस नहीं जलना है, बाहर शॉपिंग नहीं हो रही है, खाना घर पे बन रहा है, सो सारे उन्होंने तो बहुत सेविंग कर ली है। सो वो अपना जो भी रेनोवेशन करवाना चाह रहे थे, घर बैठ के जो काम करना चाह रहे थे, वो लोग अब उन काम को करवा रहे हैं और बिजनेस चल रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे मैं कॉटेज कंट्री की बात कर रहा हूँ, कोई वैंकूवर जा रहा है, कोई कैलगरी जा रहा है। अब जो टूरिज्म है, वो टूरिज्म भी एक्चुअली कनाडा के अंदर हो रहा है। सो हम लोग जो मनी खर्च रहे हैं वो बाहर जाके नहीं, यूएस जाके, मैक्सिको जाके, या आप यूरोप नहीं जा रहे हैं, आप करेबियन नहीं जा रहे हैं, आप क्रूजेज नहीं कर रहे हैं, आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं, आप कॉटेज बुक कर रहे हैं, आप कैंपिंग कर रहे हैं, आप बैफ जा रहे हैं, आप वैंकूवर जा रहे हैं। सो लोग जो है इस गर्मियों में जितना घूम रहे हैं वो अंदर घूम रहे हैं कैनेडा के। सो उसकी वजह से जो टूरिज्म भी चल रहा है, जो मनी खर्च हो रही है, वो अंदर हो रही है, जो कि हमारी इकोनॉमी को बेनिफिट दे रही है इसी धीरे धीरे। सो आने वाली रिपोर्ट से हमें पता चल जाएगा, बट अभी तक जो लग रहा है, जो मनी आई भी है ऊपर से, वो भी अंदर खर्च हो रही है, जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में बेनिफिट होना ही है। और तभी तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या बैंक ऑफ कनाडा की जो रिपोर्ट्स हैं, उनके हिसाब से एक आ गया है कि इस साल तो हमारी जीडीपी माइनस रहेगी, लेकिन अगले साल हम प्लस 5% ऊपर तक ग्रो करेंगे। सो वो इसी सारी चीजों को देखते हुए वो ये बात कर रहे हैं। एंड इसमें एक चीज और भी है कि सेकेंड वेव नहीं आनी चाहिए, अगर सेकेंड वेव आ गई तो हमारी जीडीपी को इफेक्ट आ सकता है। अगर हम सेकेंड वेव को रोक लें तो ये इकोनॉमी काफी अच्छी अगले साल ग्रो कर सकती है। टॉक अबाउट नाउ आवर न्यू फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड। सबने देखा इस वीक जो हुआ, लास्ट यस्टरडे उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया। सो क्वेश्चन ये उठ रहे हैं, क्या क्रिस्टिया फ्रीलैंड इज बेटर देन बिल मोनो, और बिल मोनो वाज बेटर? देखिए सिचुएशन ये होती है कि फाइनेंस मिनिस्टर को सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फाइनेंस की ही नॉलेज है। बिल मोनो और क्रिस्टिया फ्रीलैंड को हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि उन दोनों में से कौन ज्यादा नॉलेज रखता है या क्या करता है। हमें ये देखना है कि पॉलिटिकली या क्या किस तरह की उनकी स्ट्रेंथ है, बैकग्राउंड क्या है, क्या वो इस कंट्री को चला सकेंगी एज ए फाइनेंस मिनिस्टर। यस, उस केस में अगर देखा जाए तो शी इज कैपेबल। व्हाई शी इज कैपेबल? बिकॉज वो पॉलिटिक्स में आने से पहले वो जर्नलिस्ट थी, और जर्नलिस्ट भी वो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी।
सो उनकी जो लाइफ जहां से स्टार्ट हुई है, उन्होंने जो काम किया है वो फाइनेंशियल टाइम्स के साथ काम किया है, वॉशिंगटन पोस्ट के साथ काम किया है, इकोनॉमिस्ट के साथ काम किया है जब उन्होंने स्टार्ट की है. सो जितने भी वो आर्टिकल्स या जो भी रिपोर्टिंग करती थी वो फाइनेंशियल पे करती. तो शी, अगर आप फाइनेंशियल पे रिपोर्टिंग कर रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आपकी स्ट्रांग नॉलेज है, क्योंकि आप आर्टिकल्स लिख रहे हो, आप बड़ी बड़ी न्यूज लिख रहे हो और आप उसको एनालाइज कर रहे हो. जब आपके आपको अगर फाइनेंशियल की नॉलेज नहीं है तो ना तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं ना आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि इट्स ए पर्टिकुलर फील्ड. सो वो उस तरह से, और ग्लोब एंड मेल जो हमारे कैनेडा का है उसमें भी उन्होंने काम किया है. थॉमसन जो हमारी जो कंपनी है रिटर, थॉमसन रिटर, उनकी तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी रही हुई है. सो शी हैज क्वाइट ए गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल. दूसरी चीज, जिस तरह से उन्होंने USMCA हैंडल किया, नेफ्टा हैंडल किया, वी नो शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेगोशिएशन ऑल्सो. सो उनकी वो एक बहुत अच्छा स्किल है उनमें. एंड अगर उन्होंने नेफ्टा डील किया है, नेफ्टा में है क्या, सारी ट्रेडिंग कैसे होनी है, किस तरह से टैक्सेस चलेंगे, क्या कस्टम ड्यूटी है, किस पे लगेगी, कितनी लगेगी, क्यों लगेगी, नहीं लगेगी, ये सारी नेगोशिएशंस थी. सो शी नोज मच बेटर अगर ट्रेड को देखा जाए तो. सो एज ए फाइनेंस मिनिस्टर शी हैज वास्ट एक्सपीरियंस. सो मैं ये कहूँगा कि और मैं ही नहीं, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी हमारे जो कनाडा के हैं, दे आर एक्चुअली अपलोडिंग दिस डिसीजन, क्योंकि शी इज कैपेबल एज ए फाइनेंस मिनिस्टर. ये नहीं हो सकता कि एक ही बंदा कैपेबल है, बहुत सारे लोग हैं जो इस पोस्ट पे बैठ के उसको चला सकते हैं. यस, हो सकता है कुछ तरीके अलग हों चलाने के, लेकिन गोल तो वही होता है ना, एक कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, कैसे जॉब्स क्रिएट करनी है, कैसे हमें टैक्सेस को कंट्रोल करना है, कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा पहुँचा सकते हैं, कैसे जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम बाहर से बिजनेसेस को ला सकते हैं, ये सारी चीज़ें फाइनेंस मिनिस्टर की हैं. सो फाइनेंस मिनिस्टर अगर इस कैपेबिलिटी का हो तो वाकई वो कर सकता है. सो आई थिंक क्रिस्टिया फिनलैंड इज अ वेरी गुड चॉइस, और आने वाले टाइम में हमें सबको पता चल ही जाएगा. बट जो वो कर सकती हैं, मैनी पीपल ऑल्सो थिंक दिस वे कि वो बहुत कैपेबल है और करके दिखा सकती. थोड़ी सी अब बात करते हैं हम US की भी, क्योंकि नवंबर नज़दीक है, 3 नवंबर की, शायद जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, 3 नवंबर ही डेट है इलेक्शन की उनकी. सो अगस्त हम हाफ बीत चुका है, तो सितंबर अक्टूबर 2.5 मंथ बेसिकली अगर देखें तो. सो 2.5 मंथ में इलेक्शन होने वाले हैं, मार्केट ऑल टाइम हाई चल रही है, डाउ ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, S&P रिकॉर्ड तोड़ चुका है, नेस्टेक तोड़ चुका है, आज एप्पल जो है $2 trillion कंपनी बन गया, लाइक US की पहली कंपनी जो इस स्टेज पे पहुंची है, इतनी बड़ी उसकी मार्केट कैप बन गई है. सो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इन मिस्ट ऑफ दैट इलेक्शन, और इलेक्शन भी कोई कम नहीं लग रहे हैं, काफ़ी मैसी दिख रहे हैं आने वाले टाइम में. जिस तरह से अभी से ही जो कह सकते हैं हिंदी में बयानबाजी वो शुरू हो चुकी है, सो आने वाले टाइम में तो ये और भी मैसी होगा. लेट्स सी कि क्या होता है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इलेक्शन कैसे होता है, पोलिंग से होगा या मेल पोलिंग होगी, पोस्ट से आएंगे वोट, ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में काफ़ी मैसी हो सकती हैं. सो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा मार्केट पे? यस, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अगर अभी तक क्या हुआ है, आज तक मेरे ख्याल 1930s के बाद US में जो प्रेसिडेंट है इस वक्त सेकेंड टर्म में, वो आया है हमेशा सिर्फ उस जगह पे नहीं आया है जहां पे रिसेशन आ गया हो. सो जितनी बार भी सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट नहीं जीता है 1930 के बाद, उसमें ये था कि उसके टर्म में रिसेशन आ गया था, तो वो सेकेंड टर्म नहीं जीत पाया. जिसकी टर्म में रिसेशन नहीं आया अभी तक, वो कभी नहीं हारा है. सो ट्रंप के टाइम पे अभी तक रिसेशन, फरवरी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन मार्च में एकदम से रिसेशन आया, वो भी पैंडेमिक की वजह से आया. सो इट्स अ डिफरेंट रिसेशन.
पैंडेमिक का रिसेशन है, इट्स अ बायोलॉजिकल थिंग जिसकी वजह से हम रिसेशन में घुस गए हैं, लेकिन उसको हैंडलिंग कैसी हो रही है, लोग क्या करना चाह रहे हैं, उस बेस पे अब मेरे ख्याल में इलेक्शन काफ़ी आएगा और किस तरह से उसने हैंडल किया, ये सारी चीज़ें अब शुरू होने वाली हैं। बट ये भी मान के चलें कि US इलेक्शन का इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे आता ही आता है, क्योंकि इट्स अ बिग थिंग कि रिपब्लिकन पहले जो ट्रंप जो हैं अगर रह जाते हैं तो वो बिजनेस के लिए हेल्पफुल हैं या क्या से हैं, अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो वो उनकी स्ट्रेटजीज क्या हैं, उनके टैक्सेस किस तरह से चलेंगे, क्या कॉरपोरेट पे वो कॉरपोरेशन पे वो टैक्सेस बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। सो मेरा ये कहना है इस मुद्दे पर कि हमें अब संभल के चलना होगा, अगले 2 महीने काफ़ी क्रिटिकल है। आज फेड की जो US फेड के जो मिनट्स हैं जुलाई जो 27-28 के करीब उनकी मीटिंग हुई थी, सो उसके जो मिनट्स हैं वो बाहर आए हैं, उस मिनट्स में भी एक आ गया है कि दे आर एक्चुअली सेइंग कि इकोनॉमी में है प्रॉब्लम आ सकती है इस कोरोना वायरस की वजह से, दे ऑल वर हैवीली सेइंग दिस कि इम्पैक्ट करेगा कोरोना वायरस हमें आने वाले टाइम में, मिड जो कह सकते हैं जो टाइम आएगा उसमें इंपैक्ट करने वाला है। सो अगर फेड भी ये मान रहा है, इलेक्शन मैसी हो रहे हैं, तो हमें ये सोच समझ के चलना है कि यस मार्केट पे इफेक्ट आ सकता है, मार्केट पे इफेक्ट आएगा, लेकिन कुछ सेक्टर होंगे जो उठते रहेंगे, कुछ सेक्टर होंगे जो नीचे जाएंगे। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट में हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर तो आपको नॉलेज है तो आप सेक्टर्स उठाएंगे। आप पहले क्या होता था, हम इंडेक्स बेस भी जा सकते थे, ठीक है, इंडेक्स बेस के हिसाब से हमने इन्वेस्ट कर दिया है, ये चीजों में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब आपको सेक्टर्स उठाने पड़ेंगे, कौन सा सेक्टर उठने की उम्मीद है, कौन सा सेक्टर नीचे जाने की उम्मीद है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का नहीं पता है तो आपका फाइनेंशियल प्लानर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सेक्टर्स चूज कर सके कि कौन से सेक्टर पे इफेक्ट आएगा, कौन से सेक्टर पे नहीं आएगा, क्योंकि कभी जब मार्केट करेक्शन में आती है तो ब्रॉड बेस नीचे आती है, जैसे कि मार्च में आई थी, हर चीज नीचे आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ चीजें खड़ी रह गई, लेकिन कुछ चीजें उठ के इतनी ऊपर चली गई कि क्योंकि उसको पैंडेमिक से उसको बेनिफिट हो रहा था। सो हमें उस वक्त कोरिलेशन करने थे कि पैंडेमिक से किसको बेनिफिट हो रहा है। अब ये देखना है कि इलेक्शन का इंपैक्ट किस पे आएगा, और साथ में कोरोना वायरस तो चल ही रहा है। सो ये सारी चीजें बड़ी क्रिटिकल बनती जा रही हैं। सो थोड़ा सा सोच समझ के चलने वाली चीज है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपके फाइनेंशियल प्लानर से आपको बात करनी चाहिए, वो स्ट्रांग होना चाहिए, ही कैन टेल यू और शी कैन टेल यू कि किस तरह से आप ऐसे टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट यस, मैं हर वेंसडे में कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में वीकली अपडेट में हम अब US के इलेक्शन की भी बात करते रहें और उसकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं आने वाले टाइम में, या पीछे कुछ आए हैं तो उसकी बात कर सकें। अभी तक कोई इफेक्ट नहीं देखा गया है, अगर मैं देखूँ तो इलेक्शन का कोई इम्पैक्ट अभी तक इकोनॉमी पे नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कितना आता है, यस आएगा, बिकॉज इलेक्शन मैसी हो सकते हैं। अगर इलेक्शन क्लीन होते तो मैं ये कहता कि शायद नहीं आएगा, लेकिन ये क्लीन इलेक्शन होने की उम्मीद नहीं लग रही है, सो लड़ाई चलती रहेगी, सो इसकी वजह से इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जैसे जैसे आएगा, मैं हर वेंसडे जैसे हम ये टीवी शो बनाते हैं, सो उसमें मैं उसको एक्सप्लेन करता रहूँगा। सो ये था आज का छोटा सा स्नैपशॉट। सो अगले वीक वेंसडे को फिर से मिलेंगे, तब तक मेरी तरफ से सबको नमस्कार जी। चैनल वाई।